सो हेलो गाइस। सो गाइस यार, आजकल बहुत सारे बंदों की गेम में यार एक मैसेज आ रहा है गाइस, जिसमें लिखा हुआ है यू हैव बीन म्यूटेड फॉर वोलेंस दिस रूल एंड अनलॉक गाइस वो आपके अलग अलग डेट के हिसाब से। तो गाइस इस मैसेज का मतलब क्या है गाइस, ये बैन क्यों दिया जा रहा है एंड गाइस इस बैन से हमारा क्या क्या लॉस हो सकता है एंड क्या हमारी आई डी परमानेंट यहाँ पे बैन हो सकती है, और गाइस ये बैन क्यों दिया जा रहा है, मतलब इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्या हम गलती करते हैं जो ये बैन पड़ता है, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस। एंड गाइस जिसका भी आता है गाइस गेम में, आया है पहले, तो गाइस उसको तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा, वो भी वीडियो देख लेना। एंड गाइस जिस बंदे का अभी तक नहीं भी आया वो भी यार लास्ट तक वीडियो वॉच कर लेना, बिकॉज इफ़ ये गाइस आपका फ्यूचर में आता है एंड गाइस फिर आपकी आई डी बैन हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो उससे अच्छा है गाइस आप पहले ही वीडियो वॉच करो। सो गाइस अगर आप चैनल बने तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आप सबको बता दूँ यार, इस बैन का पीरियड कितना होता है, मीन्स गाइज ये एक दिन दो दिन का, इसका सबसे जो छोटा हुआ है वो है गाइज दो दिन के लिए, दो दिन के लिए आपको बैन मिलता है। सिर्फ आप यार चैट में मैसेज नहीं कर सकते, उसके बाद गाइज ये एक हफ्ता एक साल कितना भी हो सकता है गाइज इंक्रीज, बट गाइज हम आप बोलो यार चैट में मैसेज नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है, हम बोल के बात कर लेंगे। तो गाइज यार कुछ बंदों का यहाँ पे माइक भी म्यूट दे दिया जाता है एंड नहीं यार ओनली मतलब चैट का भी अगर आपको म्यूट मिलता है तो भी गाइज आप सोचो कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं है गाइज। अगर आपको यहाँ पे दोबारा वही गलती करते हो तो आपको यहाँ पे यार ज़्यादा बैन भी मिल सकता है एंड फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी आई डी परमानेंट बैन कर दी जाए। सो गाइज अभी आपको बताता हूँ गाइज पूरा डिटेल, ये बैन पड़ता क्यों है। सो गाइज सबसे पहला रीज़न है गाइज, अगर आप वर्ल्ड चैट में जाके देखोगे गाइज वहाँ पे स्पैम वगैरह होते रहते हैं, ओनली नहीं ये वर्ल्ड चैट की बात है, आप कहीं पे भी पबजी में टैक्स करके लिखते हो, लाइक देखो यार यहाँ पे कोई ये वेबसाइट वगैरह प्रमोट करते रहते हैं www.com पे जाओ, यहाँ पे आपकी आईडी हैक हो जाती है, कुछ भी मतलब आपका यहाँ पे स्कैम कर लेते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी कर लेते हैं गाइज, तो वो सब यार एक तरह से फ्रॉड में आते हैं, स्पैम में आते हैं, ठीक है। तो उन सब बंदों के लिए गाइज यहाँ पे लगाया गया है, जिससे गाइज वो सब यहाँ पे मतलब उनको बैन कर दिया जाए मैसेज करने से ही, जो ज़्यादा स्पैम वगैरह करते हैं ये कोई वेबसाइट वगैरह प्रमोट करता है। तो एक तो गाइज वो चीज़ है, आपको यार मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे स्पैम नहीं करना वर्ल्ड चैट में जाके एंड कुछ भी गाइज मतलब वहाँ पे आप ये वेबसाइट वगैरह के नाम तो लिखने ही नहीं है। एंड गाइज सेकेंड चीज़ गाइज जो इस पर होती है गाइज, जितना मैंने यहाँ पे रिसर्च किया गाइज, जो आपके स्टार वाले मैसेज होते हैं, देखो गाइज अब जैसे मैंने यहाँ पे पबजी में जाके हैक लिखा तो गाइज वो स्टार वाला मैसेज है, तो स्टार वाला मैसेज यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो गाइज यहाँ पे आपको ये वाला बैन पड़ सकता है। एंड गाइज मतलब आप ऐसे लिख सकते हो गाइज, जैसे मैंने हैक को h@ck लिख दिया, तो गाइज मतलब इस तरह गाइज आप कुछ चेंज करके लिख सकते हो, बट गाइज बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स हैं जो यहाँ पे स्टार बन जाते हैं, आपको यार वो नॉर्मल वर्ड हैं, तो गाइज वो इंग्लिश में उनका मीनिंग या किसी और कंट्री की लैंग्वेज में कोई गाली होगा, तो गाइज इसलिए आप उसको नहीं लिख सकते। यहाँ पे ऑल कंट्री का यहाँ पे सीन चलता है, कोई इंडिया का अलग से तो नहीं बना रखा, तो इसलिए गाइज जो भी यहाँ पे अब्यूजिव वर्ड है किसी भी कंट्री के हिसाब से वो सब यहाँ पे मतलब उनको स्टार करा जाता है। तो इसलिए गाइज अगर हम HO भी लिखते हैं तो मुझे नहीं पता है कहाँ की गाली है, बट आई थिंक HO का भी शायद यहाँ पे मतलब उसको स्टार दे दिया जाता है, तो स्टार वाले वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं पबजी वाले में बहुत ज़्यादा तो गाइज हमें ये बैन मिलेगा। एंड गाइज अगर हम वर्ल्ड चैट में यहाँ पे कुछ भी चीज़ स्पैम करते हैं, कुछ गलत चीज़ या कुछ भी चीज़ गलत, ठीक है, तो उस वजह से गाइज हमें यहाँ पे ये बैन मिलेगा। तो इस बैन से गाइज वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो दिन आप टैक्स नहीं कर पाओगे किसी भी प्लेयर को किसी भी टीममेट को, बट गाइज यहाँ पे बैन अगर एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे आपका गेम भी मन नहीं खेल पाओगे, परमानेंट भी बैन हो सकता है। तो गाइज बस इससे बचने के लिए आपको सिंपल यही तरीका है कि आप यार वर्ल्ड चैट वगैरह में जाके ऐसे मैसेज वगैरह मत करना। एंड गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आप वर्ल्ड चैट में जाके ना जो लिखते हैं गाइज प्लीज़ इन पे मतलब बिलीव मत करना, वो लिख देते हैं यार ब्लैक पिंक का ये 1800 UC, ये इतनी इतनी UC गाइज आपको फ्री मिल रही है, तो वो कुछ नहीं मिलती, जस्ट वो स्कैम कर रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाना होता है एंड गाइज आप वहाँ पे लॉगिन करते हो अपने उसी अकाउंट से, कुछ बंदे 90% बंदे उसी अकाउंट से लॉगिन करते हैं बिकॉज वो महंगा वहाँ पे वही ज़्यादा फेसबुक ट्विटर उसी तरह, एंड वो लॉगिन कर लेते हैं एंड देन गाइज गया अकाउंट, तो वो अकाउंट यार वो एक्सेस करके किसी और को दे देते हैं उसका पासवर्ड चेंज करके एंड बस यार आप बैठे रह जाते हो। तो गाइज इसी तरह उसका तो चक्कर में पड़ना ही नहीं एंड टीममेट के साथ भी गाइज आप स्टार वाला मत लिखना इफ आपको अगर इस बैन से बचना है। एंड ये बैन गाइज हमारा 0.17.0 की अपडेट में आया था, बट जब इसने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था बिकॉज कोई भी चीज़ आती है तो उसको टाइम लगता है यहाँ पे पूरा उसको मैनेज होने में, तो अभी गाइज ये बैन बहुत ज़्यादा सही से काम कर रहा है, तो अभी बहुत सारे बंदों की यहाँ पे इसको बैन मिल रहा है, तो लेट्स सी देख लेना गाइज अपना। मेरे भी यहाँ पे कुछ दोस्तों को बैन मिला तो गाइज उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, सो देन मैंने ये वीडियो बना दिया जिससे आपको भी यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो बस यार आज वाली वीडियो में इतना ही, तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।